ओके मैम, सो हमने कल तक हमने पढ़ लिया था स्टेंजा और स्टेंजा के टाइप्स, लाइंस ऑफ स्टेंजा बनाते हैं, स्टेंजा का नाम बताते हैं। पहला उसमें पढ़ा हमने मोनोस्टिच। मोनोस्टिच का हमने बताया कैसे स्टेंजा एक ऐसी पोयम जिसके अंदर सिर्फ एक लाइन होती है, वो मीट्रिक हो सकती है, और उसमें जो है क्या होता है कि वो अकेली लाइन ही क्या बनाएगी, पोयम बना देगी। दिस इज कॉल्ड क्या, मोनोस्टिच। मोनोस्टिच में क्या होता है बेटा, इसमें एक हिस्ट्री है इसकी, लेकिन अभी मॉडर्न टाइम में इसका जो है क्रेज किसको जाता है, वैलरी बायरन ने इसको जो है वो क्या किया, पब्लिश किया 1894 में। मोनोस्टिच जस्ट अ फ्यू वर्ड लाइन, और ये 6-12 वर्ड लाइन में बहुत ही ज्यादातर पर्पस क्या है, एक मैसेज कन्वे करना, इन फेस देना, रिदम क्रिएट करना, किसी भी मॉरल इशू पे कोई बात करना। एंड दिस इज इसमें जो है क्या आता है कि इसके जो एग्जाम्पल है वो एपरन नायर का एंड द सिंगल स्ट्रिंग ऑफ द सी ट्रम्पेट्स, ये इसका एग्जाम्पल है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वन है किसे, रविन्द्रनाथ टैगोर से, जिसने क्या कहा है, इफ यू शेड टीयर्स व्हेन यू मिस द सन, इट मींस यू मिस द स्टार्स ऑल्सो। वॉल्ट विटमैन कहता है, वॉल्ट विटमैन का जो लीव्स ऑफ द ग्रास है, इसके अंदर कई सारी लाइन्स हैं, फिर भी हर लाइन जो है अपना मीनिंग देता है, इसलिए इसको किसमें रखा गया है, मोनोस्टिच में रखा गया है। सेकंड वन आता है कौन सा, कपलेट, और कपलेट किसको कहते हैं, दो लाइन वाले स्टैंजा को क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। अच्छा, ये दो लाइन है, सेम मीटर होगा, सेम रिदम होगा, सेम उसकी लेंथ होगी, तो वो दोनों आखिर में अगर आपको राइम कर दे तो उन्हें क्या कहा जाएगा, कपलेट कहा जाएगा, और इसका मतलब होता है कि दो डिफरेंट आइडियाज को आपने एक साथ जोड़ दिया। और यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो सिमिलर सिलेबिक पैटर्न होगा, यानी कि मीटर इसका सेम होगा, ये दोनों लाइन जो है राइम करती हैं आखिर में, और कपलेट इज अ स्टैंजा समटाइम्स एंड इट सम अदर टाइम। अच्छा, एक कपलेट जो है वो दो लाइनें खुद एक स्टैंजा हो सकती है, या वो किसी स्टैंजा का हिस्सा हो सकती है। एंड लाइक हम देखें इसमें अच्छा, जैसे ये दो लाइनें हैं, सिर्फ स्टैंजा के अंदर दो ही लाइनें थी, और दोनों लाइनें कैसी कपलेट हैं, ये तो दूसरा स्टैंजा था, स्टैंजा सेकंड, इसमें भी दो लाइनें दोनों कपलेट हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा, ये अपना स्टैंजा कपलेट अपना स्टैंजा खुद बना रहे हैं। यहाँ पर देखें इसमें क्या चीज है, सोनेट है, सोनेट कौन सा 14 लाइंस का होता है, और जो शेक्सपियरियन सोनेट्स उसमें 14 लाइंस है, तीन क्वाड्रेंट्स हैं, तो 4, 3, 12, और दो जो लाइनें बची में कौन है, कपलेट, तो कपलेट किसका हिस्सा है, सोनेट का भी हिस्सा हो सकता है, चार लाइन वाले यानी क्वाड्रेंट का भी हिस्सा हो सकता है, और ये किसी सीक्वेंट का भी हिस्सा हो सकता है जिसमें पांच लाइनें, हो सकता है तीन लाइनों का अलग हो, लेकिन ये दोनों राइम करें तो क्या कहा जाएगा, कपलेट कहा जाएगा। एंड देन इट कम्स टाइप्स ऑफ कपलेट, पहला हीरोइक कपलेट है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, इसके अंदर दो यूनिफॉर्म लेंथ वाली लाइंस होती हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लाइन वाली, सेम उनका सिलेबिक पैटर्न एंड सेम मीटर होता है, सेम इन फेस दिया जाता है, और आयम्बिक, और दोनों का आयम्बिक पेंटामीटर होते हैं दोनों, और मोर रिदमिक एंड स्वीट टोन होता है। और इसको जो है, इसको सबसे ज्यादा ज्योफ्री चौसर ने जो इसको पायनियर किया था अपनी किताब द कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जो 14th सेंचुरी में लिखी गई थी, जॉन ड्राइडन और अलेक्जेंडर पोप दोनों का नाम आता है इसमें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली इसने यूज किया है किसको, पहला कौन सा, हेरोइक कपलेट। सेकेंड आता है स्प्लिट कपलेट, इसमें होता यह कि पहली लाइन एम्बिक पेंटामीटर यानी 5 बीट्स होंगे, और दूसरी लाइन में एम्बिक डायमीटर होगा यानी कि 2 बीट्स होंगे, तो दोनों की रिदम कैसी होगी, अलग होगी, दोनों का पैटर्न अलग हो गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्प्लिट। और इसका एग्जांपल है, ऑन अ सी स्ट्रॉन्ग नाइट द कोस्ट, रिचर्ड स्टीयर ने इसको लिखा है। देन हम आते हैं थर्ड टाइप पर, ये है ओपन कपलेट, और ओपन कपलेट कौन सा होता है, इसकी फर्स्ट लाइन और दोनों लाइनें आपस में राइम करेंगी, लेकिन होता क्या है कि एक अकेला सेंटेंस है जो दो में टूटा हुआ है, दो पार्ट्स में टूटा हुआ है, दोनों लाइनों के अंदर एक ही सेंटेंस होता है, और दोनों लाइनों के अंदर जो एक सेंटेंस होता है वो क्या बनाता है, ओपन कपलेट बनाता है। ओपन कपलेट का एक और नाम होता है रन ऑन कपलेट, एग्जाम्पल है इसका द टफ्ट ऑफ द फ्लावर, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है, और रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने देखो इसमें एग्जाम्पल, देखो द ड्यू वॉज गॉन दैट मेड दिस ब्लेड सो कीन, राइट बिफोर आई केम, यानी कि बिफोर, यानी कि उस सेंटेंस का ही हिस्सा है, बिफोर आई केम टू व्यू द बिलवेड सीन, तो सीन और कीन राइम कर रहे हैं, और दोनों जो है वो एक ही सेंटेंस है जो दो लाइनों में मौजूद है। फोर्थ हो गया क्लोज कपलेट, एंड द टू लाइंस हैव टू डिफरेंट सेंटेंसेस, ये पहली लाइन का अलग सेंटेंस, दूसरी लाइन का अलग सेंटेंस होगा। जैसे एग्जांपल है अलेक्जेंडर पोप का, एलिजा टू एबल रेड, एंड व्हाई रोव माय थॉट्स बियॉन्ड दिस लास्ट रिट्रीट, एक अलग क्वेश्चन मार्क लगे क्वेश्चन है, और दूसरा व्हाई फील्स माय हार्ट इट्स अनफॉरगेटेबल हीट, तो ये फील्स और हीट दोनों लाइन कर रहे हैं, तो ये हो गया कपलेट हो गया,
और दोनों के अलग अलग सेंटेंस है दोनों लाइन में, तो ये क्या हो गया, इसे हम कहते हैं क्लोज कपलेट कहते हैं। Then we come on, Chinese couplet होता है, yes it was, ये हम जो हमारे जो usual life में होता है, wedding card पे लिखना, या जो है वो जो birthday cards होते हैं, उन पर जब लिखते हैं, देसी जो language इस्तेमाल करते हैं, कि जो है कि जरूर आना और ये खाना, तो ये वाली जो चीज़ है वो क्या होती है, Chinese, और Chinese literature का part है, हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना, कसीदा Arabic, Arabic form से आया है, और ये कसीदा के अंदर कई सारे couplets हो सकते हैं, तो एक couplet कसीदा नहीं बनाता, बल्कि कसीदा के अंदर कई सारे couplet हो सकते हैं। एंड देन इट कम्स फिर आया ओरिजिन ऑफ कपलेट, यस बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रेंच के अंदर इस कपलेट का मीनिंग होता है दो हिस्से जो एक लोहे के हैं और जुड़े हुए हैं किसी हिंज या रिवेट से जुड़े हुए हैं, किसी कब्जे वगैरह से जुड़े हुए हैं, दो चीजें। और लैटिन में इसको कॉप्यूला वर्ड से निकाला गया, कॉप्यूला का मतलब होता है ए बाउंड और ए लिंक, यानी कि दो चीजें जोड़ने वाली। इंग्लिश पोएट्री के अंदर इसको क्या कहते हैं, दो डिफरेंट थॉट्स को जोड़कर एक कर देना, दिस इज कॉल्ड कपलेट। एंड सर फिलिप सिडनी ने इन हिज बुक आर्केडिया ड्रू अटेंशन टुवर्ड्स द कपलेट, कपलेट की तरफ जो है आर्केडिया में उन्होंने जो है इसका जो है अटेंशन लिया है। और तीसरा पार्ट हम शुरू करेंगे जो आज खत्म नहीं होगा, अगले वीडियो में जाकर देखेंगे आप, और वो है थर्ड टाइप ऑफ स्टैंजा टर्सेट, और टर्सेट है द लाइन थ्री लाइन स्टैंजा, और थ्री लाइन स्टैंजा में जो पहला टर्सेट होगा उसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। तो तीन लाइन वाले स्टैंजा वो क्या कहते हैं, टर्सेट। यहाँ पे जो ट्रिपलेट क्यों कहेंगे, अगर आपका टर्सेट जो है राइम कर रहा है, तीनों लाइनें राइम कर रही हैं, तो हमको हम क्या कहेंगे बेटा, ट्रिपलेट कहेंगे। और एग्जांपल क्या है इसका, ए ए ए, यानी कि इसका राइमिंग स्कीम होता है, तीन लाइनें हैं, तीनों लाइनें जो है एक जैसे साउंड पे खत्म होगी। एंड देन इट कम्स इसके एग्जांपल में, अपॉन जूलियास क्लोज बाय रॉबर्ट हेरविक और द टू वॉइसेस ऑफ द टू वॉइसेस बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और कहता है स्टिल स्मॉल वॉइस स्पेक स्पेक स्पीक स्पोक की जगह पे स्पीक की सेकंड फॉर्म है स्पेक, पहले बोलते थे अनटू मी एंड दो आर्ट सो फुल ऑफ मिजरी एंड वर इट नॉट बेटर नॉट टू बी मी मिजरी एंड बी, तीनों साउंड तीनों क्या कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, और तीनों जो है इस स्टैंजा के अंदर सिर्फ तीन लाइंस थी और तीनों लाइनें आपस में क्या कर रही, राइम कर रही, इसे हम कहते हैं ट्रिपलेट। ओके एंड अगेन अहेड टू दैट टर्सेट का अगला पार्ट क्वार्टेट, एंड अगली वीडियो में हम सारी चीजें कवर